काशी शिव की नगरी। अध्यात्म संस्कृति धर्म की नगरी काशी। इतिहास के अनुसार काशी संसार के पौराणिक नगरों में से एक है। पुराणों में कई जगह इसका उल्लेख भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी है। कहते हैं जब संसार में प्रलय आएगा तब शिव जी काशी को बचा लेंगे। काशी को हम कई नामों से जानते हैं, बनारस, वाराणसी। वरुणा और अस्सी के बीच बसा होने के कारण शहर का नाम वाराणसी पड़ा। वाराणसी दुनिया में अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ की सुबह का असर भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए लोग, साधु, बैरागी, रीति रिवाजों से भरी हुई सुबह और सदियों से सुलगता महाशमशान। मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार होता है। कहते हैं कि यहाँ की अग्नि को स्वयं शिव ने प्रज्वलित किया था। इस पर मान्यता रखने वाले लोग देश के कोने कोने से देह त्यागने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वाराणसी आते हैं। काशी में आकर लोग गंगा तट पर डुबकी लगाकर सूर्य नमस्कार करते हैं। काशी वासियों की सुबह गंगा घाट से ही शुरू होती है। काशी के लोग खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। यहाँ के लोगों को मीठा बहुत पसंद है। घाट की सुंदरता शाम के समय और बढ़ जाती है जब गंगा आरती के साथ हजारों दिए जल उठते हैं। घंटियों और मंत्रोच्चारण के बीच बड़ा मनमोहक दृश्य होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही हो। बाहर से आए हुए सैलानी नाव में बैठकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद उठाते हैं। बनारस हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी तीर्थस्थल है। बनारस से कुछ ही दूरी पर सारनाथ स्थित है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को पहला उपदेश यहीं पर दिया था।